मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ लकी एंड यू वाचिंग मी ऑन लकी एंटरटेनमेंट और बात बताएगी। दोस्तों आज है जयपुर में मेरा चौथा दिन। जी हाँ दोस्तों, और आज हम चलने वाले हैं जयपुर के इनसाइड में। जी हाँ, जैसा कि आप बोल रहे हैं घाटी और कनक बाग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ खास बात ये है कनक घाटी और कनक बाग जो है यहाँ पूरा वृंदावन एक तरफ से जी हाँ कवर किया गया। नहीं चलते हम नीचे बना हुआ है। यह उद्यान जयपुर शहर से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर में है। इसका निर्माण जयपुर के कछावा राजपूत महाराज सवाई जयसिंह ने लगभग 270 वर्ष पूर्व करवाया था। यहाँ का प्रवेश द्वार प्रातः 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इस उद्यान परिसर शहर के निकट भरपूर हरा भरा वन क्षेत्र एवं कई दर्शनीय स्थल है, जैसे आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। इसके नाम में कनक नाम महाराजा की रानी कनकदे के नाम से आया है। परिसर में स्थित गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन से आने के कारण वृंदावन का नाम जोड़ा गया है। कनक घाटी का मनमोहक नज़ारा देखते ही बनता है। वहीं कनक वृंदावन सावन भादव के बरसाती मौसम में यहां सपरिवार आकर पिकनिक मनाते हैं। पूरी घाटी में फैला यह खूबसूरत गार्डन यहाँ आने वाले का मन मोह ही लेता है। यह मॉडर्न नवविवाहित जोड़ों और प्रेमी युगल के लिए एक सैर सपाटे का पसंदीदा स्थल है। 280 साल पहले विकसित यह कनक वृंदावन घाटी में आज भी आर्टिफिशियल झरने, ताल और साथ में कृष्ण और गोपियों की नृत्य करते हुए बहुत सारी मूर्तियां मोह लेती हैं। एक बार देखने पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात भगवान कृष्ण गोपियों के साथ कुंजों में रास रहे हैं। पर्यटन इन मनमोहक मूर्तियों और तस्वीरों की फोटो लेना नहीं भूलते। जी हाँ, यहाँ प्रवेश करने के लिए 25 रुपए का टिकट लगता है और अगर आप प्री वेडिंग फोटो शूट करना चाहते तो आपको 1500 रुपए अलग से पे करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी होती है और लोग यहाँ पे प्री वेडिंग के शूट के लिए भी आते रहते हैं, जैसे कि फिल्म बेटा में फिल्माया गया सॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, फेमस सॉन्ग कोयल से तेरी बोली वो यहीं शूट हुई थी। श्रीदेवी की जबरदस्त फिल्मों में से एक रही लम्हे फिल्म की अधिकतर शूटिंग यहीं पे हुई है और यहीं पे पास में मौजूद है गणेश जी का मंदिर।